उधर अमेठी में सीएम योगी और स्मृति ईरानी मौजूद हैं। अमेठी को 613 करोड़ की योजनाओं की सौगात सीएम दे रहे हैं। स्मृति ईरानी इस बीच क्या कह रही हैं, मंच से आपको सीधा लिए चलते हैं अमेठी। ज्यादा समय नहीं लूंगी, दीदी हूं इसलिए दीदी को कम और मुख्यमंत्री जी को ज्यादा बोलना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी, दो तीन विषयों पर आपका विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। ये वो लोकसभा क्षेत्र है जिससे चुनकर लोगों ने देश पर अपनी सत्ता जमाई। ये वो लोकसभा क्षेत्र है जिसमें कुछ लोगों ने भाईचारे की साइकिल भी चलाई। लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र में, पिपरी गांव में, कटान की समस्या में, जब गरीब किसान की जमीन नदी में बह जाती थी, तब ना साइकिल काम आई ना हाथ वाले काम आए। तब कमल पर बैठकर जब विकास रूपी लक्ष्मी आई और आप मुख्यमंत्री बने, तो जो 30-40 साल का संघर्ष था हमारे क्षेत्र का, वो समाप्त हुआ और गरीब किसान की जमीन नदी में ना बहे, आपने उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की। आज पुनः अमेठी के उन किसानों की ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूं। यह वो इलाका है जिसने कई दिग्गज नेताओं को सत्ता की कुर्सी पर बैठे देखा, दिल्ली में और लखनऊ में उनके घरों में रोशनी देखी, लेकिन ये क्षेत्र वर्षों वर्ष अंधेरों में रहा। मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश में, मोदी जी देश में आए और अमेठी में पहली बार 1,23,000 परिवारों को बिजली नसीब हुई। ये वो क्षेत्र है जो एक परिवार की महिला, एक परिवार की बेटी के नाम से जाना जाता, लेकिन क्षेत्र में शौचालय उस बेटी को उपलब्ध नहीं होता जो स्कूल जाती। आप जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, नरेंद्र भाई जब देश के प्रधान सेवक बने, तो जिस पूरे लोकसभा क्षेत्र में मात्र 40% शौचालय उपलब्ध थे बेटियों के लिए स्कूल में, आज उस क्षेत्र में 100% व्यवस्था बेटी के सम्मान में आपने कर दिखाई। ये वो क्षेत्र है जहां पर कुछ ऐसे लोगों का राज रहा जिन्होंने देश की संसद में बार बार ये कहा कि हम मनरेगा के माध्यम से क्रांति लाएंगे, लेकिन दिया तले अंधेरा, यहां 3% लोगों के हाथ को भी काम नहीं मिलता था। आज 2,00,000 से भी ज्यादा हाथों को काम मिला है मनरेगा में। ये तब संभव हुआ है जब प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी और देश में मोदी जी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद इलेक्ट्रिकल व्हीकल ने ईवी एक्सपो में ईवी बाइक की डेल्टा वेरिएंट लॉन्च की है, जिसमें 4 स्कूटर और 1 बाइक लॉन्च की गई हैं। इसकी रेंज सिंगल चार्ज के साथ 150 किलोमीटर है। इसको चार्जिंग में सिर्फ 4 घंटे का वक्त लगता है। मार्केट में उतारे हैं जिनकी प्राइस है 89,000 से लेके 179,000 तक रहने वाला है, और 5 मॉडल अभी सेल्स के लिए हम करने वाले हैं और 2 मॉडल अपकमिंग हैं। कौन कौन से मॉडल से? हाँ, मॉडल है, एक R1 है, अल्फा, मतलब सीरीज है हमारी, अल्फा सीरीज से स्कूटर है जो अल्फा सीरीज के हैं, अल्फा R1 है, R5 है, R3 है और एक अल्फा K1 है, और बाइक में बोलते हैं तो डेल्टा सीरीज है। उसमें डेल्टा R3 है और 2 अपकमिंग में जो रहने वाले हैं वो है डेल्टा V6 और एन डेल्टा E5। ये अपकमिंग में रहे। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।